आधुनिक तुलसीदास रामानंद सागर एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने रामायण को पुनः इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के लिए लिखकर घर घर तक राम नाम का प्रसार किया। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार रामायण को 12 भाषाओं में दुनिया भर के तकरीबन 53 देशों में 65 करोड़ लोगों द्वारा देखा गया था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी व अकल्पनीय उपलब्धि है। पर क्या आप रामानंद सागर जी के जीवन सफर और संघर्षों के बारे में जानते हैं? 29 दिसंबर साल 1917 के दिन घनघोर तूफान के बीच लाहौर के समीप असल गुरके नाम के कस्बे में एक चिरंतर दीपक जन्मा, जिसको नाम दिया गया चंद्रमौली, जो कि भगवान शिव के नाम का ही एक पर्याय है। उन्हें उनकी नानी ने गोद लिया। इस बात के लिए उनके महज 16 साल के पिता उनसे पहले से ही वचनबद्ध थे। उनकी सौतेली माँ अक्सर उन्हें प्रताड़नाएं देती रहती थीं और जबरन घर के सारे कामकाज करने के लिए बाधित करती थीं। एक दिन गुस्से में आग बबूला उनकी सौतेली माँ ने उन्हें बर्तन सफाई से न धुलने के लिए एक मटकी उनके सर पे दे मारी, जिसके कारण उनके माथे पर एक चंद्राकार घाव उभर आया। उनकी सौतेली माँ ने ही भारी दहेज के लालच में शीघ्र ही उनका विवाह करा दिया, पर प्रसूति के दौरान ही उनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो गई। साथ ही साथ उनका नवजात शिशु भी नहीं बच सका। नशे की लत के चलते उनकी जन्मदात्री माता का देहांत महज 26 वर्ष की अवस्था में हो गया था। तब चंद्रमौली यानी कि रामानंद जी सिर्फ 5 वर्ष के थे। दरअसल उनकी नशे की लत के पीछे उनके कुछ भरोसेमंद नौकरों का हाथ था, जिन्होंने उनके पुत्र के वियोग के दर्द को कम करने के बहाने उन्हें मादक पदार्थों के सेवन के लिए मजबूर किया था। रामानंद जी ने अपने मृतक पुत्र के प्रति निस्वार्थ निष्ठा रखते हुए उसके अंतिम संस्कार की विधि पूरी होने के बाद हरिद्वार में अपनी मृतक पत्नी की बहन से विवाह कर लिया। उनकी सौतेली माँ इस नव विवाहित जोड़े को घर में प्रवेश नहीं करने देना चाहती थी, क्योंकि इसके लिए उन्हें कोई दहेज नहीं मिला था। फिर उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और वो साइकिल रिपेयरिंग की एक दुकान में अपनी पत्नी के साथ रहने लगे। उन्होंने कई छोटी मोटी नौकरियां करके अपना जीवन यापन शुरू किया। उन्होंने कभी सफाई कर्मी के तौर पर काम किया तो कभी सुनार की दुकान पर काम किया, कभी वे चपरासी के तौर पर काम करते तो कभी किसी किराने की दुकान में काम करके गुजर बसर करने लगे। रामानंद जी ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत बतौर क्लैपर बॉय 1936 में आई फिल्म राइडर्स टू द रेल रोड से की। उन्होंने जीवन यापन के साथ साथ अपने लेखन के हुनर को बरकरार रखने के लिए बतौर पत्रकार काम करना शुरू किया। साल 1941 में 24 वर्ष की आयु में रामानंद जी को ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया। तब तक इस बीमारी का कोई इलाज उपलब्ध नहीं था, इसलिए उन्हें किसी स्वास्थ्यालय में मृत्यु के इंतजार में छोड़ दिया गया। मृत्युशैया पर पड़े रामानंद सागर ने वहीं से एक उर्दू पत्रिका अदबे मशरिक के लिए अपने लेख मौत के बिस्तर से लिखना शुरू किए। रामानंद सागर के ये लेख उस वक्त के साहित्यिक गलियारों में बहुत प्रसिद्ध हुए। एक यूनानी डॉक्टर के प्रयासों और सांप के जहर से किए गए इलाजों ने रामानंद सागर को चमत्कृत ढंग से बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। रामानंद सागर ने भारत पाकिस्तान के बंटवारे के दर्द को बेहद करीब से महसूस किया। उस वक्त 30 वर्ष के रामानंद सागर 5 बच्चों के पिता थे। रामानंद सागर ने बंटवारे के दौर के अपने अनुभवों के मद्देनजर अपना प्रसिद्ध उपन्यास और इंसान मर गया लिखा। उसी दौरान रामानंद जी अपने परिवार के साथ अपनी मातृभूमि छोड़कर श्रीनगर आ गए। उस दौरान लाहौर अमृतसर मार्ग बहुत भयावह और खतरनाक हुआ करता था। पाक समर्थित मुजाहिदीन आर्मी ने उस वक्त श्रीनगर पर हमला किया और हवाई पट्टी को घेर लिया। रामानंद सागर अपने परिवार के तकरीबन 13 सदस्यों के साथ 4 दिनों तक भूखे हवाई पट्टी के उस खौफनाक मंजर के बीच रहे। बाद में एक छोटा सा जहाज सारे शरणार्थियों को वहां से दिल्ली ले जाने के लिए पहुंचा। रामानंद जी ने एक बड़ा सा बक्सा अपने सर पर लादा हुआ था, जिसे देखकर जहाज के पायलट ने कहा, सामान नहीं सिर्फ सवारियां ही जा सकती हैं।
इतना कहकर चालक ने लात मारकर कागजों से भरे बक्से को नीचे गिरा दिया। रामानंद जी ने रोते हुए कहा, ये मेरी कहानियां थी जो कि मेरी इकलौती पूंजी थी, और आखिर में पायलट ने उन्हें पहचान लिया कि ये वो ही रामानंद चोपड़ा हैं जिन्होंने मौत के बिस्तर से लिखी थी। पायलट ने तुरंत उनके पैर छुए और उन्हें गले से लगा लिया, साथ ही साथ उन्हें अपनी चल अचल संपत्ति यानी कि उनकी रचनाओं को साथ ले जाने की अनुमति दे दी। दिल्ली में शरणार्थियों के तौर पर उनके परिवार ने खरबूज के बीजों को बेचकर छोटी सी आमदनी में अपना गुजर बसर शुरू कर दिया। बाद में रामानंद सागर की प्रतिभा को देखते हुए उस वक्त के मशहूर लेखकों जैसे किशन चंदर और मंटो ने उन्हें मुंबई जाकर फिल्मकारों से मिलने की सलाह दी। रामानंद सागर मुंबई पहुँच गए। वहाँ पहुँच कर उन्होंने समुद्र तट पर बैठ कर वरुण देवता से प्रार्थना की कि हे देव, इस सपनों के शहर में मुझ अदने जीव को भी स्थान दे। तभी समुद्र की लहरों ने आकर रामानंद जी को चारों ओर से घेर लिया। उन्हें उनका जवाब मिल चुका था, मानो वरुण देव ने उनकी प्रार्थना सुन ली थी। और भविष्य में हुआ भी ऐसा, मुंबई समेत पूरे देश ने उन्हें अपने दिलों में स्थान दिया। रामानंद जी ने इसी घटना के बाद अपने नाम में सागर जोड़ लिया। साल 1949 में रामानंद सागर जी ने अपनी पहली फिल्म बरसात लिखी, जो कि तकरीबन 100 हफ्ते सिनेमाघरों में चलती रही और एक बेहद सफल फिल्म साबित हुई। इस फिल्म ने न सिर्फ रामानंद जी को बल्कि राज कपूर के आरके फिल्म्स को भी फिल्म जगत में स्थापित कर दिया। उन्होंने कई लघु कथाएं और दो नाटक गौरा और कलाकार लिखे, जिनका प्रदर्शन मुंबई के पृथ्वी थिएटर में हुआ। जिंदगी के कई उतार चढ़ावों को झेलते हुए अंततः रामानंद सागर जी ने साल 1950 में अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस सागर आर्ट्स खोल लिया, जिसके तहत उन्होंने बतौर लेखक, निर्माता और निर्देशक अपनी पहली फिल्म मेहमान बनाई। पर दुर्भाग्यवश ये फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई, जिसने एक बार फिर सागर परिवार के बढ़ते हुए कदम वापस ले लिए। उसके बाद जैसे तैसे रामानंद सागर जी ने एक छोटे बजट की फिल्म बाजूबंद का निर्माण किया, पर वो भी एक बड़ी फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद वो चेन्नई चले गए, जहां उन्होंने जैमिनी स्टूडियोज के लिए कुछ वर्षों तक लेखक और निर्देशक के तौर पर काम करना शुरू किया। उन्होंने कुछ मशहूर फिल्में भी लिखी, जैसे इंसानियत, पैगाम और राज तिलक। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ फिल्मों में बतौर लेखक, निर्माता और निर्देशक काम किया, जैसे घूंघट और जिंदगी। ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रहीं। इन सभी सफलताओं ने रामानंद सागर जी का आत्मविश्वास बढ़ा दिया था और उन्होंने फिर से खुद के बैनर तले फिल्म निर्माण का मन बना लिया। आरजू, आंखें, गीत, ललकार, चरस और बगावत, उनकी ये छह फिल्में एक के बाद एक सफल साबित हुईं। साल 1980 में उनकी केदारनाथ यात्रा के दौरान एक संत महाअवतार बाबा जी ने उन्हें चमत्कृत तौर पर दर्शन दिए। रामानंद जी कुछ क्षण के लिए हतप्रभ रह गए, क्योंकि साल 1972 में बाबा जी ने उन्हें गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में भी दर्शन दिए थे। बाद में एक संत ने उन्हें बाबा जी का संदेश स्पष्ट किया कि रामायण धारावाहिक का निर्माण करो, ऐसा करने से तुम समग्र मानव जाति में आध्यात्मिक चेतना का प्रसार कर सकोगे, साथ ही साथ ऐसा करने से विश्वव्यापी प्रसिद्धि के भागी भी बनोगे। इसके बाद रामानंद सागर ने ये घोषणा कर दी कि मैं सिनेमा छोड़ने जा रहा हूँ और टेलीविजन से जुड़ने जा रहा हूँ। मेरे जीवन का अब एकमात्र उद्देश्य है पौराणिक कथाओं को तथा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाना। उन्होंने रामायण के कई संस्करण पढ़े, कई अलग अलग भाषाओं में रामायण का उन्होंने गहराई से अध्ययन किया। इंडस्ट्री के लोगों को लगा कि ढलती उम्र के साथ रामानंद सागर का दिमाग फिर गया है और वो पागल हो चुके हैं। उन्होंने दूरदर्शन को रामायण के प्रसारण का प्रस्ताव दिया। कुछ सालों तक उस वक्त की सरकार ने हिंदू लहर के भय से उनके प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया, पर इतने बड़े राम भक्त को भला कौन पराजित कर सकता है। बाद में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने रामानंद सागर द्वारा रचित महान भारतीय महाकाव्य रामायण के प्रसारण पर मुहर लगा दी और रामायण धारावाहिक लोगों के बीच इस कदर लोकप्रिय हुआ कि इसके
दर्शकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई। पहले 4 करोड़ दर्शकों तक पहुंचने वाला ये धारावाहिक 8 करोड़ फिर लगभग 65 करोड़ दर्शकों से अपना प्यार पाने वाला एक ऐतिहासिक धारावाहिक बन गया। इसके बाद रामानंद सागर ने 1992 में श्री कृष्णा धारावाहिक का निर्माण किया। बाद में वे माँ दुर्गा नाम के धारावाहिक का निर्माण करना चाहते थे, पर किन्हीं राजनीतिक व्यवधानों के चलते ऐसा ना हो सका। भारतीय टेलीविजन जगत में विगत 30 वर्षों से धार्मिक और कपोल कल्पित धारावाहिकों की शैली में सागर आर्ट्स का एक छत्र राज रहा है, जिसने अनेकों नेक प्रसिद्ध व सफल धार्मिक धारावाहिक भारतीय दर्शकों को दिए हैं। 12 दिसंबर 2005 को आधुनिक तुलसीदास श्रद्धेय रामानंद सागर जी देह त्याग कर वैकुंठ चले गए। रामानंद सागर, जिनके नाम में ही राम का संदेश बसा है, राम आनंद अर्थात प्रभु राम के आनंद से परिपूर्ण मानवता का असीम सागर। सोचने वाली बात है कि 70 वर्ष की अवस्था में जब बाकी लोग सेवानिवृत्त होकर बाकी का जीवन बिस्तर पर गुजारने की योजना बना रहे होते हैं, जीवन की उस अवस्था में सागर साहब प्रभु राम का संदेश घर घर तक पहुंचा रहे थे। तो रामानंद सागर जी के जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, और अभी देर नहीं हुई है, क्योंकि जब एक चपरासी, एक दुकानदार, एक सफाई कर्मी एक महान ऐतिहासिक धारावाहिक रामायण बना सकता है, तो आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते। तो प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो समर्पित था आधुनिक तुलसीदास रामानंद सागर जी व उनके जीवन संघर्षों पर, जिसके लिए जरूरी जानकारियां व तथ्य जुटाए थे रामानंद सागर जी के सुपुत्र प्रेम सागर व सुपौत्र शिव सागर ने। तो दोस्तों, रामानंद सागर जी के जीवन से जुड़े ऐसे तमाम सुने व अनसुने वृत्तांतों को जानने के लिए आप उनकी जीवनी, जिसको एक पुस्तक के माध्यम से संकलित किया गया है, उसे ऑर्डर कर सकते हैं। पुस्तक का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। आप लिंक के माध्यम से उस पुस्तक को अभी ऑर्डर करके विशेष छूट का लाभ भी उठा सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही तमाम रोचक वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।